कंपनी ने रिसेंटली एक 5% की डील OFS के जरिए की गई है। उसके अलावा हम बात करते हैं वेदांता लिमिटेड की पर्टिकुलर दिस ईयर की, तो डीलिस्टिंग में कंपनी एक बार फेल हो चुकी है। सो आज के डेट में वेदांता का जो प्रमोटर है वो एग्रेसिव अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस करने के लिए BPCL या तो ऐसी एक बड़ी कंपनी को परचेस करने के प्लानिंग में है। सो आज का ये वीडियो आपको वेदांता शेयर्स परचेस करने के प्लानिंग में है या तो आप होल्ड करते हो तो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। आज की डेट में आप देख सकते हो 162 के करीब आज का रेट दिखने को मिल रहा है। 24 दिसंबर के दिन उसकी ब्लॉक डील ऑलमोस्ट 4.98% की हो गई है। ओपन मार्केट परचेज प्रमोटर एक साल में 5% तक कर सकता है। जहां तक हम VDL की बात करें ऑलरेडी 4.98% हो चुका है। सो जिसको लेकर आप देख सकते हो कि वेदांता का जो आज के दिन होल्डिंग 50% था वो आफ्टर दिस डील ऑलमोस्ट 55.10% हो गया है। सो बेसिकली वेदांता में हम बात करते हैं डीलिस्टिंग प्रोसेस में कि वेदांता को 90% स्टेक की रिक्वायरमेंट थी। सो बेसिकली 50% वेदांता के पास प्रमोटर के पास थे, 40% पब्लिक से उसको परचेस करना था। सो कंपनी को ये पूरा जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, मतलब 136 करोड़ उसको एडिशनल पब्लिक से ऑफर होना चाहिए, वो नहीं मिला, जिसको लेकर पर्टिकुलर डील कैंसिल हो गई। सो ऑन शॉर्टर रूट वेदांता के प्रमोटर ने ऑलरेडी 5% स्टेक इंक्रीज कर दिया, ऑलरेडी 55% हो चुका है। उसके बाद का हम डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो पूरा सर्कुलर है जो वेदांता के प्रमोटर ने उसका जो पूरा शेयर्स है वो गिरवी यानी प्लेस कर दिया गया है। सो बेसिकली वेदांता सेज नो प्लेस ऑन द शेयर्स फंड रेज कंडीशन बाय प्रमोटर्स फ्रॉम शेयर सेल। सो ट्यूसडे के अनुसार ये ट्यूसडे की नोटिस है जहां वेदांता के प्रमोटर $1 बिलियन डेप्ट इश्यू कर रहे हैं बाय इश्यूइंग द नोट्स टू सिटी कॉप इंटरनेशनल एंड अनदर 400 मिलियन इन नोट्स टू एंटिटी अंडर ऑक्ट्री कैपिटल ग्रुप। सो बेसिकली ये जो दोनों डेट इंक्रीज हो रहे हैं यानी डेट को फंड रेज हो रहा है टू मीट द डेट ऑफ वेदांता PLC, जो यहां आप देख सकते हो द फंड रेज फ्रॉम सिटी ग्रुप विल बी यूज फॉर टू फंड द टेंडर ऑफर फॉर एनी ऑफ द वेदांता रिसोर्स आउटस्टैंडिंग 900 मिलियन 8.25% बॉन्ड ड्यू इन ईयर 2021। सो बेसिकली ये जो पूरा डेप्ट कंपनी के ऊपर है उसको फिलअप करने के लिए ये अलग से $1 बिलियन प्लस 400 मिलियन डॉलर की फंड रेजिंग हो रही है वाया डेप्ट इंस्ट्रूमेंट बाय इश्यूइंग द नोट्स। सो ये जो पूरी डील 18.5 करोड़ की 160 के रेट पे हो चुकी है, यहाँ आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 2,959 करोड़ की टोटल डील कंपनी की ओर से हो गई है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अब कंपनी की ओर से एक BPCL परचेस करने का ऐलान हो सकता है इन ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि कंपनी ने जो 3 बिडर्स है उनमें से अच्छी खासी बिड एग्रेसिव करने का भी ऐलान कर दिया है। अब हम हिस्ट्री देखते हैं तो वेदांता का जो प्रमोटर अग्रवाल साहब की हिस्ट्री हम चेक करते हैं तो उसने केन इंडिया जिंक ये जो भी कंपनी गवर्नमेंट की भी कंपनी परचेस की हुई है वो मतलब लोअर लेवल पे यानी लो रेट पे ही डील उसकी की गई है। उसके अलावा वेदांता की ओर से 5% का बायबैक प्लान ऐलान हो सकता है, उनमें हो सकता है कि शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन ना हो सके। सो बेसिकली वेदांता का आज की डेट में हम बात करें तो 200 के नियर उसका बायबैक भी आ जाता है, उनमें भी 5% एडिशनल स्टेक इंक्रीज हो जाता है तो वेदांता को 60% स्टेक मिल जाता है। अगेन डीलिस्टिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो 30% की नई रिक्वायरमेंट फ्रॉम शेयर होल्डर के शेयर्स की जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं मेन पर्टिकुलर सेक्टर की,
तो जहां एल्यूमिनियम स्टील सेक्टर सेल या तो VDL की जैसी जो भी कंपनी है उसकी बुक्स ऑफ वैल्यूएशन यानी जो भी रॉ मटेरियल का प्राइस है वो ऑल ऑफ सडन बहुत इंक्रीज हो गए, 40-45-50% तक का प्राइस एप्रिसिएशन हो गया है। सो बेसिकली ये जो कंपनी है उसकी इन्वेंटरी, उसकी बुक्स ऑफ इन्वेंटरी जो मेंटेन होती है उनमें एक बहुत बड़ा रिवेल्युएशन हम बोल सकते हैं। सो बेसिकली VDL का हम आज की डेट में बात करते हैं तो 250 का टारगेट या तो 250 का लेवल VDL में इजीली बेस्ड ऑन दी इन्वेंटरी इन आने वाले 3 या 4 क्वार्टर में इजीली देखने को मिल सकता है। अगेन पर्टिकुलर दिस कंपनी में बायबैक का ऐलान भी हो सकता है जहां पर्टिकुलर शेयर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है क्योंकि उसको स्टेक जैसे तैसे करके इंक्रीज करना है। सो 5% की डील हो चुकी है, 5% बायबैक के जरिए हो सकता है, BPCL का न्यूज भी आ सकता है। ये जो कंपनी का एल्यूमिनियम का जो इन्वेंटरी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यूएशन यानी री असेट वैल्यूएशन हम री इन्वेंटरी वैल्यूएशन बोलते हैं तो उनमें भी एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो चुका है। सो बेसिकली 60 करोड़ का आज की डेट में मार्केट के बम को देखने को मिल रहा है और LIC के IPO आने के बाद भी शायद दोबारा VDL के प्रमोटर के ओर से डीलिस्टिंग का एक बार प्रोसेस जारी हो सकता है क्योंकि इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कंपनी कैन ट्राई आउट डीलिस्टिंग प्रोसेस एन नंबर ऑफ टाइम्स। सो बेसिकली ऑलमोस्ट 60% के करीब उसका होल्डिंग हो जाता है तो 30% नया उसको एडिशन शेयर्स परचेज करना पड़ेगा फ्रॉम द शेयर होल्डर टू मेक दिस कंपनी डीलिस्ट। सो आने वाले टाइम में डिविडेंड के जरिए भी अच्छा खासा मुनाफा शेयर होल्डर को मिल सकता है। और हम चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हो बेसिकली ये 24th के टाइम पे जहाँ 5% की डील हुई थी वो टाइम पे एक बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ प्रमोटर बाइंग हो चुकी है। सो आने वाले टाइम में यहाँ रिकंसोलिडेशन हो जाता है क्योंकि काफी सारे ब्रोकरेज हाउस है जिन्होंने नेगेटिव न्यूज फ्लो डिक्लेयर कर दिया है एज द प्रमोटर प्लेस द एंटायर होल्डिंग 55% टू गेट द डेट फ्रॉम द सिटी बैंक एंड ऑक्ट्री क्योंकि उसका जो 2021 में बॉन्ड का मेच्योरिटी हो रहा है उसको 900 मिलियन को फिलअप करने के लिए कंपनी ने पूरा प्लेस कर दिया है। बट अगेन ये जो प्लेसिंग हुई है उनमें एक कंडीशन कंपनी प्रमोटर ने सेट की गई है कि कोई भी कंडीशन में कंपनी का कोई भी मतलब एक भी शेयर सिटी बैंक या तो ऑक्ट्री से सेल नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली काफी बार जैसे मतलब बड़ा प्लेसिंग होता है वही शेयर्स में समझो एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस इंफ्रा का हम बात करते हैं तो रिलायंस इंफ्रा ने जो भी प्लेसिंग किया था शेयर्स का वो टाइम पे ऑपरेटर को पता चल गया कि इस कंपनी में पर्टिकुलर कंपनी में बहुत बड़ा प्लेसिंग है। सो उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है कि समझो मैंने 100 करोड़ की टोटल लोन ली है फ्रॉम दी बैंक और मेरा 120 करोड़ का वैल्यूएशन का स्टॉक्स मैंने प्लेस किया हुआ है। अब जैसे 100 करोड़ की उसकी 120 करोड़ की वैल्यूएशन 100 करोड़ हो जाती है तो मुझे अगेन दोबारा मेरा शेयर प्लेस करना पड़ेगा या तो एडिशनल सिक्योरिटी बैंक को देनी पड़ेगी वरना बैंक मार्केट में आके उसका सेल मतलब शेयर को सेलिंग कर सकती है, उसका एक राइट है। सो बेसिकली जब भी ऑपरेटर को पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर ट्रिगर होने वाला है तो वो टाइम पे बहुत बड़ी हेवी पोजीशन क्रिएट करके इंटेंशनली उसका रेट डाउन करके चले जाते हैं। और जैसे ही कंपनी को एक तो कंपनी ने बड़ा लोन डेट क्रिएट किया है सो शॉर्टेज ऑफ द कैश ऑलरेडी कंपनी में चालू होती है, उसके अलावा मार्जिन ऑफ कॉल यानी बैंक से कॉल आ जाता है कि एडिशनल प्लेस करो या तो कुछ सिक्योरिटी दो या तो कैसे भी करके हमारा जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल है आप मेंटेन करो। सो ऐसे विकर काउंटर को पकड़ के ऑपरेटर बहुत बड़ी चाल चलते हैं जिसको लेकर ये जो स्टॉक्स की स्टोरी है वो पूरी कोलैप्स हो जाती है। बट पर्टिकुलर VDL के केस में पर्टिकुलर प्रमोटर की ओर से ये जो कंडीशन सेट की गई है कि कोई भी शेयर सेल नहीं कर सकते वाया प्लेजिंग। सो आने वाले टाइम में मतलब 170 के अराउंड ये शेयर शायद रिकंसोलिडेट हो सकता है आने वाले 2-3 वीक के लिए, फिर अगेन न्यू टेरिटरी में एंट्री हो जाती है।
क्योंकि जब भी रॉ मटेरियल का प्राइस इसकी रीवैल्यूएशन आती है तो कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। सो जिन शेयर होल्डर के पास VDL के शेयर्स पड़े हैं, सो दे कैन कंटिन्यू होल्डिंग फॉर द न्यू बाइंग। वन शुड एंटर नियर 150-155 लेवल विथ एन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 140 के अराउंड। सो आने वाले टाइम में स्टॉप लॉस शायद 140 का लेवल दिखने को ना भी मिले, बट एज फार एज द मार्केट इज ट्रेडिंग एट ए नियर न्यू हाई, सो मतलब एक थोड़ा बहुत भी क्रेश 200-300-500 पॉइंट का दिखने को मिलता है तो स्टॉक्स में थोड़ा बहुत पैनिक भी दिखने को मिल सकता है। बट ऑन ए लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द गुड स्टॉक, और जब भी अच्छा खासा रेट मिल जाता है तो बींग अ जेन्यून शेयर होल्डर आपको दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर लेना है, क्योंकि वेदांता अगेन दोबारा डीलिस्टिंग का एक करेगा ट्राई, सो दैट टाइम अगेन दे मे कन्विंस सम बिग शेयर होल्डर टू सेल द एंटायर स्टेक एट अ लोअर लेवल एंड दे मे डीलिस्ट द एंटायर कंपनी। सो बेसिकली 5% वाया बायबैक के रूट कंपनी के पास पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ऑलरेडी कंपनी ने फंड राइजिंग के लिए ऐलान जारी कर दिया है, या तो ये फंड BPCL को परचेस करने में हो सकता है, बायबैक के लिए यूज हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी ने $1.4 बिलियन की डिमांड यानी डेट फंड राइजिंग किया हुआ है। सो बेसिकली आज के इस VDL के वीडियो के जरिए जिन शेयर होल्डर के पास शेयर से वो मतलब होल्ड कर सकते हैं, और आगे जाके अपना ड्यू डिलिजेंस करना रहेगा। और ऐसे अपडेट पाने के लिए आप प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।